पानी और रेत में पड़े रहने की वजह से लाश को पहचानने में शायद मुश्किल हो। आप चाहे तो नजदीक जाकर देख सकते हैं। नजदीक जाने की जरूरत नहीं है ऑफिसर, मैं यश दीवान की माँ हूँ। दूर से देखकर बता सकती हूँ कि ये मेरा बेटा नहीं है। Keeping all the facts under observation, हम तीन अलग-अलग चीजों पर पहुंचे हैं। एक तो ये कि हो सकता है यश दीवान को किडनैप करके कहीं बंदी बनाकर रखा गया हो। हाँ, लेकिन किडनैप की कोई वजह भी तो हो। बिजनेस राइवलरी तो यश की है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई किडनैप नोट या कॉल आई है, तो फिर वो अगवा क्यों करेंगे? मुमकिन ये भी हो सकता है कि जो आपके बेटे ने किया उसके पीछे पति पत्नी का रिश्ता हो, शायद दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये भी मुमकिन नहीं है। मिसेस दीवान, तो फिर एक ही गुंजाइश दिखती है, और वो बात ना मैं कहना चाहूंगा ना आप सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, वो बात आप नहीं कहें तो अच्छा है। हमें ये बताइए कि ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं। आप पहली फ्लाइट पकड़ कर इंडिया चले जाइए। आपने जो करना था कर चुके, अब हम पर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हेलो, मैं मिसेस हीर दीवान की स्वीट से बोल रही हूँ। दुबई दिल्ली की फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट की 3 टिकट्स बुक करवा दीजिए प्लीज। नहीं मम्मी जी, हम वापस नहीं जाएंगे, हम यश के बिना वापस नहीं जाएंगे। मैं उनके साथ आई थी, उनके बगैर नहीं जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज, हम उनके बिना नहीं जाएंगे। Calm down, beta, calm down. चुप हो जा मेरे बच्चे। यश मेरा भी तो बेटा है ना, मैं भी उसकी माँ हूँ ना, मुझे भी तो तकलीफ हो रही है ना। वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गया होगा, लेकिन मुझे विश्वास है बेटा, हमारा यश हमारे पास लौट आएगा। यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे। इस बंदेश में रहकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अपनी पूजा पूरी कर ले। नहीं मम्मी जी, कोई तो बात है, बताइए ना क्या हुआ। तू बाऊजी को तो नहीं बताएगी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हीर किसी मुश्किल में है बेटा। मम्मा, वो तो हनीमून पर गई है, आप अपने दिमाग में ये बेकार की बातें क्यों ला रही हैं?
भगवान करे कि ये ख्याल बेकार के ही हो। फिर भी तू उसे फोन कर लेना बेटा। बेटा तुमने फौरन कॉन्टैक्ट कर, और उन्हें कहना कि वो पानी से दूर रहे। Can I talk to Mr. and Mrs. Divan? हाँ, वही हनीमून कपल जो क्या उन्होंने चेकआउट कर लिया? कब? I mean, are you sure? चेकआउट कर लिया और बताया नहीं? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हीर किसी मुश्किल में है। बेटा बहुत 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 खुश है, पर क्या आखिर बताऊंगी, लगता है वो मुझसे नाराज है। कुछ बात हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई, पर हो जाएगी। आप प्लीज परेशान मत हो। मेरी परेशानी छोड़, पहले तू अपनी परेशानी छुपाना सीख ले। नहीं मम्मी जी, मैं आपसे कोई बात नहीं छिपा रही हूँ। देखती ना, कभी मुझसे कोई बात छुपाना मत बेटा। मैं आपसे कोई बात छिपा नहीं रही हूं, बल्कि आपकी इन बातों से अपने आप को छिपा रही हूं। आपको जैसे आने वाले बुरे वक्त का एहसास हो जाता है, कई साल पहले मुझे आपकी ऐसी बातों से डर लगना शुरू हुआ था, उतना ही डर आज भी लगता है कि कहीं वाकई ये डर उस जमाने की बात है जब बदनसीबी का हम पर बहुत जोर था, और ये किसी पुराने घाव का भूला हुआ दर्द है जो हमारी तेजी का एहसास है। उस जमाने लद गए पुत्र, अब बदनसीबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम नहीं थके, बदनसीबी हमारा बुरा करते करते खुद थक गई है। अब तो खुशी का आलम है, खुशनसीबी का आलम है। मुझे पूरा यकीन है मेरी गुन्ना, मेरी हीर जहां भी होगी खुश होगी, बहुत खुश। हेलो निमुदीप, कहां हैं आप? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है, कहां से बोल रही हैं? देख कुकू, तू बिना हड़बड़ाए गौर से मेरी बात सुन, खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ निमोदी? तो तेरे, मेरे और हीर के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर हुआ क्या निमोदी? यश दुबई में कहीं लापता हो गया है। क्या? ये बात ना अपने घर में किसी को पता चलनी चाहिए, न हीर के घर वालों को। जी निमोदी। और सुन, जरा कोशिश करना कि घर में ज्यादा सवाल जवाब ना हो। हाँ जी निमोदी, मैं ध्यान रखूंगा कि। अच्छा अच्छा निमोदी, मैं रखता हूँ। हाय टीना, हीर तो अब तक लौटी नहीं है। वो एक्चुअली मैं यही जानने आई थी कि यश और हीर है कहाँ। क्या मतलब? वो दोनों तो हनीमून पर गए हैं ना? हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर कल जब मैंने दुबई फोन किया था तो पता लगा कि उन्होंने चेकआउट कर लिया है। तो आजकल कहाँ है? अच्छा मुझे तो पता नहीं है, निमोदी को पता होगा, लेकिन निमोदी इस वक्त घर पर नहीं है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगा। अगर मुझे यश का मोबाइल नंबर मिल जाए तो मैं खुद बात कर लूंगी। यश का मोबाइल? दरअसल मुझे यश का मोबाइल नंबर याद नहीं है। मुझे याद है, 9886307430। एक मिनट, फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ लिख लो, कई बार याद नहीं रहता।
9886 3। चलती हूँ, यश और हीरा जाएंगे, फिर मैं आती हूँ। ओके हाँ टीना, ठीक कह रही है। बाय टीना। बाय। संजोत, कभी कभी अपनी गलती मान भी लेनी चाहिए। तो मैंने यश का फोन नंबर ही तो दिया था, और कौन सी ज्यादा बात की? वो भी देने की क्या जरूरत थी? लेकिन कोई वजह भी तो होनी। अरे दीदी, बहू, आप लोग आ भी गए, बताया तक नहीं। पाली, लवली, देखो देखो ये लोग आ गए। अरे निमोदी, आप लोग आ भी गए, पहले बताते तो मैं एयरपोर्ट आ जाता। हाँ, एक फोन ही कर देते। दीदी, यश कहाँ है? अब वो बातें बाद में, पहले जरा सामान ले आ टैक्सी से, किराया भी दे दे। ठीक है दीदी, मैं लेकर आऊँ। यश बाहर है? हाँ, यश हमारे साथ नहीं लौटा। यश आपके साथ नहीं लौटा? तो क्या हीर अकेले वापस आई है? नहीं, वो दरअसल जो नौकरी उसे मिली थी उस सिलसिले में उसे केप टाउन जाना पड़ा। उन लोगों का हेड ऑफिस वहीं है, तो पहले हफ्ते वहीं रिपोर्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, मुझे बातें समझानी पड़ती है। समझ में तो मेरे भी नहीं आई। अगर केप टाउन ही जाना था तो हीर को साथ ले जाता। हीर को वीजा नहीं मिला। तुम लोग भी क्या सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो? निमोदी, हीर, आप लोग चलकर आराम कीजिए। अरे बातें बाद में होती रहेंगी, अभी आप थक गए होंगे, आप चलिए आराम कीजिए। चलो हम चेंज करके आते हैं, फिर बातें करेंगे बैठ। हाँ हाँ। भाई यश तो बाहर नजर ही नहीं आ रहा। वो आया ही नहीं। नहीं आया मतलब? इसका मतलब तो ये समझा सकेंगे। चल काका, डंगरा को डाल दे चारा। शाबाश शाबाश शाबाश। टीना जी, बाऊजी कहाँ गई थी पुत्र? वो मैं हीर के ससुराल गई थी। ये पता करने गई थी कि हमारी हीर कैसी है? हाँ। देख पुत्र, हीर की नई नई शादी हुई है, इस तरह अगर हम बार बार उनके घर जाएंगे ना तो हो सकता है दीवान फैमिली को बुरा लग जाए। मेरी बात समझ रही ना पुत्र? मैं समझती बाबूजी, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गई थी। पर अब कोई टेंशन नहीं है, हीर हनीमून पर ही है, मैंने यश का मोबाइल नंबर ले लिया है। बस अब हीर को फोन करके कहूंगी कि मम्मी जी से बात कर ले, उन्हें भी तसल्ली मिल जाएगी। हेलो हेलो मिस्टर जय, कैसे हैं आप? वैसे तो कुछ पता नहीं चला है, पर कुछ उम्मीद बंधी है। यश दीवान के मोबाइल से हमें जो सिम कार्ड मिला है उससे कई फोन किए गए हैं, इनफैक्ट उस दिन भी जिस दिन यश दीवान गायब हुए। जी हाँ मिस्टर जय, एक मिनट होल्ड कीजिए, फोन नंबर नोट करो और फोन पे बात करके पता करो कि किसका फोन है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो यश, कौन मैडम बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? ये यश का ही फोन है ना? पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हम पुलिस वालों से अगर कुछ जानना है तो पहले हमारे सवालों का जवाब। 172-2614-930 ये नंबर तो इंडिया का लग रहा है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यश दीवान का फोन आप दुबई पुलिस वालों के पास आया कैसे? वो आपको तब बताया जाएगा जब आप हमें ये बताएं कि आप हैं कौन। मैं टीना बोल रही हूँ, टीना सिंह, हीर की मौसी। और देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। हेलो हेलो हेलो, कहीं तो कुछ हुआ है। यश का फोन दुबई पुलिस वालों के पास कैसे आया? एक तो यहाँ से ज्यादा बात भी नहीं कर सकती, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बाहर जाकर फोन ट्राई करती हूँ, दुबई किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट। हेलो, क्या मैं निर्मला जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन? जी मैं जय बोल रहा हूँ। क्या काम है? मुझे निर्मला जी से जरूरी बात करनी है। निमोदी, कोई जय है आपसे जरूरी बात करना चाहता है। हेलो निर्मला आंटी, सॉरी बेवक्त फोन कर रहा हूँ,
मगर बात ही कुछ ऐसी थी तो नहीं, बोलो बोलो। आंटी अभी अभी मेरी दुबई पुलिस वालों से बात हुई, उनसे पता चला है कि टीना यश और हीर के बारे में कुछ जानने की वजह से काफी परेशान है। उन्होंने बताया है कि टीना ने यश के मोबाइल पर भी फोन किया था जो दुबई पुलिस वालों ने अटेंड किया। कहीं टीना को किसी तरह का शक ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा किया बेटा, अच्छा किया जो तुमने मुझे बताया। मैं कुछ करती हूँ जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। निमोदीप, ये जय कौन है? यश का दोस्त है। लेकिन यश ने तो कभी बताया नहीं किसी जय के बारे में। उसे दुबई में मिला था इसलिए शायद। दुबई में? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।